हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अगले मंगलवार तक विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेंगे। इसके अलावा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर भी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को की जाएगी। राहुल गांधी ने कर्नाटक संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों की ताकत का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को गिरा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने गोवा में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, बीजेपी यही कर्नाटक में भी करना चाह रही है। नोटबंदी के दौरान गुजरात के अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर 775 करोड़ रुपए ब्लैक मनी को व्हाइट कराने का आरोप लगा है। अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। अहमदाबाद कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि दबाने और डराने की कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है, इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम खट्टर पौधारोपण ड्राइव का आगाज करेंगे। जल शक्ति अभियान के तहत पौधारोपण ड्राइव का आगाज किया जा रहा है। साथ ही सीएम 1 बजे जल शक्ति अभियान के कैलेंडर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से आधुनिक जिला पुस्तकालय का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम खट्टर कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने लोहारू के बहल में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौटाला साहब के पोते ने पार्टी का नाश करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला 6 महीने के अंदर सीएम बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं लोकसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी की सरकार ने किसानों, युवाओं और देश हित में काम किया है। अंबाला सेंट्रल जेल में कल देर रात कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस पूरी झड़प में कैदियों के साथ जेलकर्मियों को भी चोटें आईं। बताया जा रहा है कि जेल में 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट आपस में झाबड़े, जिसके बाद जेल कर्मियों के बीच तनाव हुआ। इस पूरी मारपीट में कैदियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी चोटें लगी हैं। जेल प्रशासन ने 84 कैदियों के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से जाट टकरा कर पलट गई है, जिससे बस में आग लग गई। बता दें कि ड्राइवर को नींद आने से पूरा हादसा हुआ। बस में आग लगने से सवारियों ने हड़बड़ाहट में मौका पाकर अपनी जान बचाई। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। आग में झुलसने से 2 सवारियों की मौत हो गई है। बता दें कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। कालका पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बता दें, देर रात एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक चालक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को काबू कर लिया, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अंशुल कांत को विश्व बैंक का प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड ने कहा कि प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ के रूप में कांत विश्व बैंक समूह में वित्तीय जोखिम प्रबंधन के दायित्व को संभालेंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैदान पर वर्ल्ड कप में मेजबान टीम न्यूजीलैंड से कभी नहीं जीती। ये 5वां मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर वर्ल्ड कप फाइनल होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें आज तक वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप के लॉर्ड्स ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी नहीं जीती। इन दोनों टीमों के बीच 2 बार मुकाबला हुआ, दोनों बार न्यूजीलैंड की टीम जीती है।
बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग की है। ऋतिक रोशन की फिल्म को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने पहले दिन करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई की है। शनिवार रविवार को फिल्म सुपर 30 की कमाई में और इजाफा हो सकता है।